और मेरे अंदर भी आप सबके इतने शानदार कामों के कारण से, शानदार प्रयासों के कारण से, व्यक्तिगत रूप से मेरे अंदर भी ऊर्जा और उत्साह का संचार कहीं ना कहीं आपके कार्यक्रमों में आने से तेजी से होने लगता है। प्रदेश में हमारी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आज इन सभी क्षेत्रों में काम कर रही हैं, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, और मैं देख रहा हूं कि सबके अंदर एक सकारात्मक कंपटीशन, जिसको कहते हैं सकारात्मक प्रतिस्पर्धा, जिस प्रकार से खेलों में होती है उसी प्रकार से आज इन जो हमारे एसटीसी के सतत लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी लगातार हो रही है। और आप सभी लोग राज्य के विकास के लिए हमारे एम्बेसडर हैं, और आज चारों ओर प्रदेश के विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं हम सब लोगों को सम्मिलित रूप से प्रयास करने होंगे, सबको एक दिशा में चलना होगा, तभी हम जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर हमने जो आत्मनिर्भर उत्तराखंड का जो हमारा सपना है उसको साकार कर सकेंगे। और हमारे प्रदेश के अंदर आप सब जानते हैं प्रत्येक वर्ष हमको अनेकों चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, हम प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में आपदा का सामना करते हैं। इस वर्ष भी आप देख रहे होंगे अभी हम आपदा से उभरे नहीं हैं, बहुत हमको नुकसान हुआ है, इसलिए विकास के क्षेत्र में भी और इस विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी हमको कहीं ना कहीं इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन बनाते हुए काम करना होगा, जिसमें पर्यावरण और विकास दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और मैं आप सबसे यह भी कहना चाहता हूँ कि जीवन में कभी कभी यह आवश्यक हो जाता है कि हम ये देखें कि वर्तमान में हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है, और यह व्यक्तिगत स्तर पर भी हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, यह किसी भी देश या प्रदेश के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि जिस देश के लोग भूखे सो रहे हों उस देश के विकास के बारे में बात करना ही गलत है। लेकिन भाइयों बहनों, देश के अंदर लंबे समय से बहुत सारी सरकारें आईं, अपने अपने स्तर पर सभी ने प्रयास किया होगा।